कोरोना काल के दौरान आउटसोर्स आधार पर अस्पतालों में रखे गए कर्मचारियों का अनुबंध बीते दिन खत्म हो गया है। प्रदेश भर में कोरोना के दौरान 1800 के करीब स्वास्थ्य विभाग में कर्मी आउटसोर्स पर तैनात हैं, जिसमें 100 के करीब स्टाफ नर्स भी शामिल है और इन्हें कोविड वॉरियर का तमगा भी दिया गया था, लेकिन अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कंपनी को दिए गए टेंडर की अवधि शुक्रवार को खत्म हो गई है, जिसके चलते अब इन कर्मियों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं शनिवार को प्रदेश भर से आउटसोर्स काम कर रहे स्टाफ नर्सें सचिवालय पहुंची, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सेवा विस्तार देने और स्थायी नीति बनाने की गुहार लगाई। सचिवालय पहुंची स्टाफ नर्सों का कहना है कि कोविड के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दी है और 6 घंटे तक पीपीई किट पहनकर काम किया है और अपनी परवाह किए बिना सेवाएं दी हैं, लेकिन आज उनकी सेवाओं को खत्म किया जा रहा है, जिससे अब वे बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सेवाओं को जारी रखा जाए और उनके अनुबंध काल को बढ़ाकर उनके लिए स्थायी नीति बनाई जाए। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। नमस्कार जी, मेरा नाम हेमलता है और मैं मेडिकल कॉलेज चौक से आई हूँ जी। आज हम सचिवालय में पूरे हिमाचल से और डिस्ट्रिक्ट से सभी कोविड वॉरियर स्टाफ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारी जो आज एक मुख्य मांग है वो है हमें हमारी जॉब को लेकर, ये जो हमारा एक्सटेंशन है उसको लेकर। हमारी जो अनुबंध काल था वो पिछले कल 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है। क्योंकि हमारी अभी कांग्रेस की सरकार आई है, तो अब सी बात है कि सब कुछ चेंज होता है न्यू सरकार आने पे। तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पिछली सरकार ने हमारे लिए अच्छा नहीं किया या इस सरकार ने ऐसा नहीं किया। पिछली सरकार ने भी हमारे लिए प्रयास पूरे किए और अब हम जो प्रेजेंट की सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी को जॉब सिक्योरिटी दो और हमारी पॉलिसी जल्द से जल्द बनाई जाए। सर ने हमें पीटर हॉब में पिछले मंथ भी यही अवगत किया था कि आपके लिए हम पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं, पर इसके लिए समय चाहिए। तो सर ने हमसे 1-1.5 साल का समय मांगा था। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है फिर से, हम 1-1.5 साल का, अब 2 साल का भी हम टाइम देते हैं, लेकिन तब तक हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, बस यही मुख्य मांग है हमारी। जब कोविड काल आया तब बोला कि भाई स्टाफ नर्स की जरूरत है, तब हमने काम किया। 2.5 साल हो गए हमें काम करते करते, तब तो किसी ने नहीं बोला ऐसा हमें कि आप घर बैठ जाओ। हमने अपने बच्चे छोड़े, सब कुछ छोड़ा, फैमिली छोड़ी है, तब कहाँ गई ये सरकार। तो मंत्री से हम निवेदन करेंगे कि हमारे लिए जो है वो एक्सटेंशन बढ़ाए और हमारे लिए पॉलिसी बनाए, पर हमें एक जॉब सिक्योरिटी दी जाए, ताकि हमें ना डर नहीं बैठा रहे कि हम 3 महीने के बाद बाहर निकल जाए। हमें यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। बाकी हम आगे पॉलिसी बनाने की हम आगे कदम उठाएंगे, पर सबसे पहले हमें ये है कि हमें जॉब सिक्योरिटी मिल जाए सबके लिए। मैं ये नहीं बोलूँ कि मेडिकल कॉलेज स्टाफ नर्स नहीं, सफाई कर्मचारी के लिए भी, वार्ड अटेंडेंट के लिए भी, सबके लिए मिले। डेट चौक मेडिकल कॉलेज में एज अ स्टाफ नर्स अपॉइंटेड हूँ और मैं आज यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि कल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया है 31 मार्च को। तो आज मतलब जैसे हमें शाम को इन्फॉर्म हो गया है कि हमें टर्मिनेट कर दिया गया है, तो हम अपने अपने विचार जो हैं, अपने व्यूज़ हैं, हमारी पॉलिसी से रिलेटेड हम वही रखने के लिए आए हैं। हम हमारी अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बस यही मांग है कि वो हमारा जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करें। हम इस तरह किसके विचार हैं, एक हमारे लिए पॉलिसी बने ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो खराब ना हो, क्योंकि हर साल में नर्सिस जो है वो मतलब 1 लाख कम से कम 1 लाख आगे बढ़ रही है, 1 लाख से ज़्यादा ही आ रही है। तो फिर फ्यूचर किस तरफ हो जाएगा अगर हमें मतलब अब टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो मतलब कमीशन के थ्रू उस टाइम नहीं रखा गया था हमें एज अ कोविड वॉरियर रखा गया था। तो हम के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।